पेटीएम मनी में LIC का IPO प्री अप्लाई कर सकते हो। प्री अप्लाई करने के लिए क्या करना है वो बताने वाला हूँ स्टूडियो में। तो ये 4 मई से लाइव होने वाला LIC का IPO, तो इससे पहले आप प्री अप्लाई कर सकते हो। तो पेटीएम मनी एप्लीकेशन में आप जाओगे इन्वेस्ट इन IPO, तो वहाँ पे देखो कि प्री अप्लाई फॉर ओपन हो गया है, तो प्री अप्लाई भी कर सकते हो। IPO की डिटेल बता दो, मिनिमम 15 क्वांटिटी है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट 13,530 का होगा, प्राइस रेंज 902 से 949 तक का है, जो ओपनिंग डेट है वो 4 मई है और क्लोजिंग डेट 9 मई है। अब यहाँ 3 कोटे में अप्लाई कर सकते हो, एम्प्लॉई, रिटेल और पॉलिसी होल्डर। अगर आप पॉलिसी होल्डर है, आपने पैन आधार लिंक कर रखा है, सॉरी पॉलिसी और पैन लिंक कर रखा है, तो आप एम्प्लॉई कर सकते हो। तो अब मैं रिटेल में करके दिखाता हूँ। रिटेल में करने के लिए आपको यहाँ पर सारी डिटेल भी आप देख सकते हो, टर्म एंड कंडीशन देख सकते हो, फिर अप्लाई पे नाउ कर देना है। अप्लाई नाउ करोगे तो आपको जो प्राइस कट ऑफ प्राइस है वहाँ क्लिक कर लेना है, तो प्राइस जो लास्ट होगी वहाँ पे आ जाएगा। क्वांटिटी आपको 15 रखनी है, 30 रखनी है, आप जो भी क्वांटिटी रखनी है वो रख सकते हो रिटेल कैटेगरी में। तो जैसे मैंने 15 रखनी है, 1 अप्लाई करना है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। फिर आपको यहाँ पे आपका UPI ID लिख लेना है। जो मेरा UPI ID है वो मैंने यहाँ लिखा हुआ है, वो लिखूँगा तो मैं अप्लाई नाउ पे प्रोसेस करूँगा। जैसे ही मैं अप्लाई नाउ पे प्रोसेस करूँगा, तो जब भी ये ओपन होगा तब ये जो मैंडेट है ये मेरे जो UPI ID एक्सटेंशन था जिस पे भेजा जाएगा, जो वहाँ पे मेरे को एक्सेप्ट करना रहेगा। तो आप देख सकते हो, स्क्रीन पे दिखा देता हूँ आपको, इस तरह का कुछ एक्सटेंशन आएगा जो आपको एक्सेप्ट करना रहेगा। तो ये था कुछ सिंपल ईजिएस्ट वे में आप LIC का IPO प्री अप्लाई कैसे कर सकते हैं। इसके बेनिफिट क्या है, अगर आप फ्री नहीं है तो पहले से अप्लाई करके रखोगे तो आपका LIC IPO हो जाएगा अप्लाई। तो यही था शॉर्ट एंड सिंपल। ऐसे इंटरेस्टिंग शॉर्ट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।